यार आज की वीडियो में ना आपको मैं जो गाड़ी दिखाने लगा, मेरे सामने खड़ी है भाई। ये गाड़ी जो है बेसिकली 1 लीटर में 37 किलोमीटर की एवरेज देती है कंपनी के मुताबिक, जो कि मेरे ख्याल में 660 सीसी कैटेगरी में सबसे ही ज़्यादा आपको एवरेज ये गाड़ी मतलब देती है। ठीक है, तो भाई कमाल की बात है। कौन सी गाड़ी है आपको दिखाते हैं। ओए होए होए, ब्यूटी भाई ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की गाड़ी है ये। और यह है कौन सी गाड़ी आपको आगे चल के वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स बताते हैं। वीडियो में एंड तक बन रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी आपको मैं दिखाने लगा हूँ। आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी है, ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई। ये है सुजुकी ऑल्टो हाइब्रिड, मतलब 660 सीसी इंजन है इसमें, प्लस आपको साथ मिल जाती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको जो एवरेज है बहुत ही ज़्यादा कमाल मिलती है। और ये बेसिकली आप इससे सेमी हाइब्रिड कह सकते हो, माइल्ड हाइब्रिड कह सकते हो। ठीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है। और ये न्यू जनरेशन है सुजुकी ऑल्टो की जो पाकिस्तान में आई है, वो अब भाई ओल्ड हो गई, अब आ गई है न्यू जनरेशन जो कि आपकी स्क्रीन में आपको सामने नज़र आ रही है। आते हैं भाई ज़रा इसके हेडलैम्प की तरफ। आप इसका हेडलैम्प चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का हेडलैम्प है। आपको इसमें LEDs मिलेंगी, ऊपर आपको साइड का सिग्नल मिलता है और ये आपका मिल जाएगी आपको DRL के, आप सकते हो आप इसको पार्किंग लाइट कह सकते हो। सेंटर में आ जाएं तो आपको क्रोम की गार्निशिंग सुजुकी का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी। नीचे बॉडी कलर में आपको इसकी ग्रिल दी गई है और फ्रंट आप इसका खुद चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा फ्रंट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आते हैं ज़रा साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये आप सबसे पहले इसकी करेक्टर लाइन चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलेगी भाई आपको हाइब्रिड की बैजिंग। नीचे आते हैं, इसके अलॉय व्हील्स आप चेकआउट कर सकते हो भाई, बड़े खूबसूरत किस्म के अलॉयज हैं। डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे, सिल्वर तो वैसे भी आपको पता है काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे भी आप एक को क्लाइडिंग आप कह सकते हो आपको साइड पे दी गई है। ऊपर आते हैं तो आपको ORVM मिल जाएंगे, बॉडी कलर में इसके ORVM मौजूद हैं, एयर प्रेस इंस्टॉल है और यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाएगा। स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसके डोर पर मौजूद है। और डोर की बात करें, आपको पता है भाई ऑल्टो में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपके जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको डोर मिल जाते हैं, तो इसमें भी वो चीज़ कैरी ऑन की गई है, काफ़ी बड़े साइज़ के आपको डोर मिलेंगे। और यहाँ पे डोर ओपनर मौजूद है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। रिट्रैक्टेबल ORVM के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल, फाइल होल्डर, स्पीकर, और ये आप कुछ चेकआउट कर सकते हो। इस गाड़ी का इंटीरियर जो कि यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये न्यू डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आप इसकी सीट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, फैब्रिक की सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल किस्म की सीट्स हैं। बाकी इंटीरियर बैठेंगे तो आपको बताएंगे भाई, ये गाड़ी फुल ऑप्शन है, मतलब आपको इसमें सारी चीज़ें ही दी गई हैं। रियर डोर ओपन करते हैं, रियर डोर की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, प्रॉपर 90 डिग्री पे इसका डोर ओपन होता है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं ज़रा रियर सीट्स की तरफ, तो आप इसकी रियर सीट्स भी चेकआउट कर लो। पीछे आपको दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे और ये आप इसकी सीटिंग स्पेस चेकआउट कर सकते हो। भाई समझ नहीं आती कि ये जापानी क्या करते हैं भाई अपनी गाड़ियों के साथ, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस कहाँ से आती है, मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। आप चेकआउट कर सकते हो, लास्ट जनरेशन से भी स्पेस ज़्यादा हो गई है, मतलब भाई बाहर से बड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती हैं बट इंटीरियर से इसकी जो स्पेस है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। ये आप इसकी रियर से लुक चेकआउट कर सकते हो। आपको ज़रा फुल लुक दिखा देता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक है और ये जो रियल टेल लैंप है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लास्ट जनरेशन का बम्पर में आ गया था बट ये वापस ऊपर कर दिया हुआ है, जो कि मुझे तो यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका टेल लैंप। ऑल्टो हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिलेगी। रियर पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जाहिर सी बात है रियर पे ज़्यादा जरूरत है, फ्रंट पे भी दे दे अच्छी बात है बट रियर तो मेन चीज़ है, रियर पे पार्किंग सेंसर होने ही चाहिए। बाकी यहाँ पे भी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल रहा है, वाइपर मौजूद है, बैक स्क्रीन में डिफॉगर आपको दिया गया है, वॉशर है, उसके साथ साथ आपको मिलेगा भाई यहाँ पे स्टॉप लैम्प। ट्रंक को जरा ओपन करते हैं, ज़्यादा स्पेस भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि भाई स्पेस क्या मिलने वाली है। यहाँ पे आप इसकी स्पेस चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है, मतलब रियर जो आपकी सीट्स हैं अगर आप फोल्ड करना चाहो आप इजीली फोल्ड भी कर सकते हो। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि रियर सीट्स मतलब फुल आपको एम्पल स्पेस मिलने के बावजूद भी ट्रंक में इतनी अच्छी स्पेस मौजूद है, तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मतलब लास्ट जनरेशन से मुझे भी लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा स्पेस आपको इसके ट्रंक में मिलेगी। यार मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैपनीज कोई भी न्यू गाड़ी आती है ना, मतलब न्यू जनरेशन आती है, उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ट्रंक में काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, आपको रियर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है लास्ट जनरेशन से। उसके साथ साथ फीचर इसमें बहुत ज़्यादा न्यू इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो सारे हम आगे जाके चेकआउट करेंगे। बाकी अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और दोबारा से फ्रंट पे चलते हैं, मुझे हाथ का इसका जो फ्रंट है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है। बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको इसका फ्रंट किस तरह का लगा है। काफ़ी ज़्यादा
डिसेंट किस्म की लुक आ रही है। डिज़ाइन जो है फुली न्यू है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके हेडलैम्प बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्रोम प्लस आपको पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी ये आप गाड़ी देख सकते हो। अब चलते हैं ज़रा इंटीरियर में, और इंटीरियर में जाकर चेकआउट करते हैं भाई इंटीरियर में क्या क्या मौजूद है। भाई फुल ऑन ऑप्शन ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो, रेडार वगैरह सारी चीज़ें भाई इसमें मिलने वाली है। मतलब ये गाड़ी जो है ना भाई फुल ऑन ऑप्शन के साथ आ गई हुई है सुजुकी ऑल्टो। चलें इंटीरियर में चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि भाई इंटीरियर में क्या क्या मौजूद है। आ गए हैं भाई हम जरा सुजुकी ऑल्टो के इंटीरियर में, आप इसका इंटीरियर चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा खूबसूरत किस्म का इंटीरियर है। स्टार्ट करते हैं भाई जरा स्टेयरिंग व्हील से, आप इसका स्टेयरिंग व्हील चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा खूबसूरत स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो SRS एयरबैग इस पे मौजूद है, और ये आप सिल्वर ट्रिम चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आगे चलते हैं मीटर की लुक की तरफ, और आप इसका मीटर भी चेकआउट कर सकते हो, मीटर काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसका 140 की टॉप स्पीड, और ये थोड़ा सा मुझे हसलर से मिलता जुलता लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इधर आते हैं भाई आपको हेडलाइट के कंट्रोल, दूसरी तरफ आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, और इधर आ जाते हैं एसी वेंट के सामने, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको कप होल्डर मिलेगा, आपके भाई जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी ठंडी रहेगी। इधर आते हैं भाई भर भर के फीचर इस गाड़ी में मौजूद है। सबसे पहले हमें भाई मिल रहा है पुश स्टार्ट, उससे नीचे आते हैं भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, हेडलाइट के एडजस्टमेंट मिल रही है, इको आइडल मिल रहा है। इधर आपको मिल जाएगा भाई क्या कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, लेन डिसेंट असिस्ट, रेडार सिस्टम। भाई इस गाड़ी में आपको एक 660 cc गाड़ी में भाई रेडार सिस्टम मिल रहा है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार बाकी गाड़ियों से, मतलब पाकिस्तानी गाड़ियों से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। मतलब 660 cc गाड़ी में आपको रेडार, लेन डिसेंट असिस्ट, पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब के भाई क्या ही मतलब सीन है यार। ये जापानी लोगों को ना बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, इतने फीचर भर भर की गाड़ियों में देते हैं कि बाप जब पाकिस्तानी गाड़ी बाय करते हैं वो कहते हैं भाई फीचर कितने ने, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार जापानीज़ गाड़ियों की, मतलब आपको फुल ऑन ऑप्शन मिलते हैं, मतलब सब कुछ ही उठा के दे देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें जो है ना मुझे लगता है कि काफ़ी यूज टू है, जैसे कि लेन डिसेंट असिस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का फीचर है, उसके बाद पार्किंग सेंसर आपको बताया कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है, आप जब भी गाड़ी पार्क करते हो पार्किंग सेंसर भाई हो आपको मतलब सही वो आपको गाइड करते हैं। उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल तो भाई हर गाड़ी में होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करती, आपकी गाड़ी मतलब पूरी अपनी उसमें रहती है, ठीक है, कंट्रोल में, ठीक है। और इको आइडल तो आपको पता है कि भाई इको आइडल के तो मज़े ही अलग है, मतलब आप इशारे पे खड़े होगे गाड़ी बंद हो जाएगी, और जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे गाड़ी इलेक्ट्रिक पावर पे स्टार्ट होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं इसकी। बाकी हेजलाइट का बटन आ जाएगा, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पैनल मिल रहा है। एसी वेंट का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ये आपको छोटे छोटे हाईलाइट्स आप चेकआउट कर सकते हो, आपको क्रोम के हाईलाइट्स दिए गए जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इधर आते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगी। इधर भाई आपको दिया गया है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इधर आते हैं, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगी। एसी वैन के सामने अगेन आपको कप होल्डर, जो कि मेरे हाल में बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है। और बाकी इस गाड़ी का जो फुल इंटीरियर है फुल ब्लैक आउट है, बट यहाँ पे आपको ब्लू हाईलाइट्स दिए गए हैं, मीटर के सराउंड पे आपको ब्लू हाईलाइट्स दिए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको स्पेस मिल जाएगी। और डैशबोर्ड मतलब फुल भरा भरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है मुझे तो इस न्यू ऑल्टो का डैशबोर्ड। बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस तरह का लगा ये न्यू ऑल्टो का इंटीरियर। ऊपर आते हैं भाई सनशेप में चेकआउट करते हैं, वेंटीमेन मौजूद है, और वेंटीमेन में मौजूद है आपका भाई हज़ार लाइट ऑन की भी है, हमने भाई ज़रा थोड़ा सा लेट रिव्यू बना रहे, थोड़ा अंधेरा हो चुका है। इधर आते हैं भाई, यहाँ पे भी आपको सनशाइन वेंटीमेट दिया गया है, रूफ चेकआउट कह सकते हो, आपको आप लाइट ग्रे कह सकते हो आप, या बेज कह सकते हो, आपको लाइट ग्रे वैसे है ये, ठीक है, लाइट ग्रे के साथ आपको इसका रूफ मिल जाएगा। अच्छा, रूफ अगर डार्क कलर में हो ना तो गाड़ी थोड़ी कंजस्टेड लगती है, अगर जो रूफ है वो लाइट कलर में हो तो गाड़ी थोड़ी खुली खुली लगती है, तो ये चीज़ मैंने नोट किया। इंटीरियर ब्लैक ही अच्छा लगता है, ठीक है, बेज इंटीरियर मैं तो भाई बिल्कुल ही बेज के हक में नहीं हूँ, बट ये ब्लैक इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा चस्क आ रहा है, ठीक हो गया। ब्लू हाईलाइट्स जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा लेवल के लग रहे हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं भाई फीचर, यहाँ पे खत्म नहीं हो, आप ये ना समझो कि बस इस गाड़ी में यही फीचर खत्म हो गए, ना जी ना। इधर भाई चेकआउट करो, आपको हीटेड सीट्स मिल रही हैं भाई, मतलब क्या ही है ये यार, जापानीज गाड़ियों में ना आपको भर भर के फीचर दिए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि यार आपको सब कुछ दिया जाता है, हीटेड सीट तक आपको एक 660 cc गाड़ी में दी गई है। हमारे पाकिस्तानी पत्नी की तरफ सोए में अल्लाह जाने, ठीक है, इनको कोई अल्लाह करे कोई आगे उठाए यार कि भाई उठ जाओ मेहरबानी करो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, आउटलेट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पे भी स्पेस दी गई है, मैनुअल आपको हैंडब्रेक मिल जाएगी, कप होल्डर आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी सीट्स की बात करें यार, सीट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल आपको मिल जाएंगी, रियर सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, रियर पर ज़्यादा स्पेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कम्फर्टेबल होकर रियर पर भी बैठ सकते हो, मतलब रियर पर भी ना तीन बंदे तो ईजिली बैठ ही सकते हैं भाई, ठीक हो गया, काफ़ी खुली गाड़ी है। बाकी बस ये
है ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर, बहुत ही ज्यादा मजे का है। मतलब एक वर्ड में कहूँ तो ये न्यू जो मतलब इंटीरियर है ना, पुरानी ऑल्टो जो है बिल्कुल सिंपलिस्टिक सी लगती है, बट ये जो कर्वी डिजाइन है ना इसके डैशबोर्ड का, काफी ज्यादा मजे का लग रहा है, काफी भरा भरा मतलब इंटीरियर लग रहा है, जो कि मुझे तो काफी पसंद है। बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब चलते हैं जरा बाहर, आपको जरा इस गाड़ी की डिटेल भी बताते हैं, प्राइस भी बताते हैं और साथ में इसका इंजन एरिया ओपन करते हैं और आपको इसका बोनट ओपन करके दिखाते हैं कि भाई इंजन इसका क्या सीन है इंजन का। डिटेल बताने से पहले मैंने कहा जरा आपको इसका बोनट भी ओपन करके इसका इंजन एरिया भी दिखा दिया जाए। ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई, इस गाड़ी का 660 cc इंजन, इस इंजन में बहुत ही ज़्यादा पावर है भाई, ऊपर से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मैच आउट करके ना भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर बना देते हैं। ये गाड़ी सेमी हाइब्रिड है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपको जो एवरेज है बहुत ही ज़्यादा मतलब 660 के साथ अगर हाइब्रिड मिल जाए तो फिर तो भाई आपको पता ही है कि पावर बड़ी मज़े की हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कंपनी इस गाड़ी का क्लेम करती है कि गाड़ी आपको 1 लीटर में 37 किलोमीटर की एवरेज देगी। यार 37 अगर ना भी करे, ये अगर मतलब 30-32 ही एवरेज कर लेती है तो मेरे ख्याल में इस जैसी तो कोई गाड़ी मेरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जो आपको 30-32 एवरेज दे। मतलब मीन मैक्सिमम भी आप जाओ ना तो 27-28 हाइब्रिड, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ वो 27-28 तक देती हैं, अगर ये 30-32-35 एवरेज करती है तो मेरे में बेस्ट गाड़ी है ये, ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई, ज़रा आपको बताते हैं इस गाड़ी की डिटेल की, क्या डिटेल है, क्या प्राइस है इस गाड़ी की। अब आते हैं इस गाड़ी की ज़रा डिटेल की तरफ, और इस गाड़ी की डिटेल ये है कि भाई ये 2024 मॉडल है, मतलब भाई लेटेस्ट गाड़ी और 2024 की इम्पोर्ट है, मतलब बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है भाई। और अंदर से आपने चेकआउट किया कि भाई टॉप नॉच फीचर्स के साथ है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है, ठीक हो गया। और अब बात कर लें इस गाड़ी की प्राइस की, 42 लाख रुपीज़ इस गाड़ी की डिमांड है, ठीक हो गया। और मतलब के भाई फुल ऑन भाई चस वाली गाड़ी है, ठीक है, आपको सब कुछ इस गाड़ी में मिलता है, और ऊपर से आपको मतलब सीटिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, आपको कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपको हीटेड सीट, आगे भाई सर्दियाँ आ रही हैं, हीटेड सीट्स के जो मज़े हैं ना, ओए होए होए, वो आपको फिर पता ही है कि भाई क्या मज़े आने हैं। बाकी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी, गाड़ी पसंद आई है चाहे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, आपको इंशाल्लाह इसी तरह की आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस लेके आते रहेंगे और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको इन गाड़ियों के बारे में देंगे। बहुत ही ज़्यादा नई नई गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, वो सारी गाड़ियाँ इंशाल्लाह आपके लिए कवर करेंगे। आपने बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, आपके लिए इसी तरह इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। आपने बस ये काम करना है भाई वाला, सब्सक्राइब कर देना है। अब सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब करना लाजमी, आपको पता है सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए धड़ाधड़ वीडियोज़ आएंगी और आप जिस गाड़ी का कहोगे उसी गाड़ी का वीडियो बनाएंगे। लग्जरी कार्स की मैं थोड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आप बहुत कम देखते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ मर्सिडीज़ की देखनी है, ऑडी की, जिस गाड़ी की आपने वीडियो देखनी है आप कमेंट्स में मुझे बताओ, इंशाल्लाह उस गाड़ी की वीडियो आपके लिए आएगी। आपने टेंशन ही नहीं लेनी, आप नाम बोलो, अगर वो पाकिस्तान में अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह आपका भाई उसकी वीडियो बनाएगा, डन हो गया, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, भाई को दें आप इजाज़त, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी और ख़ासकर रेड कलर बहुत ही ज़्यादा चस्कर आ रहा है।